राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अपने यहाँ पर राजस्थान के संत समुदाय की चर्चा जारी है और इसी के अंतर्गत आज हम फिर से एक नए संत की बात करेंगे। तो चलिए संस्थापक थे संत जसनाथ जी और आज हम इन्हीं संत जसनाथ जी की बात करेंगे। संत जसनाथ या जसनाथ जी, इनका देखिए जन्म हुआ 1482 ईस्वी ग्राम कतरिया सर जिला बीकानेर। जनता वाई का ग्राम कतरिया सर जिला बीकानेर। पिता अमीर जी, माता रूपांडे। देखो इसके बारे में एक स्टोरी है और वो ये है कि ये जो जसनाथ जी थे ना, वैसे इनका मूल नाम जसवंत था। जसवंत क्या हुआ कि ये जो हमीर जी थे, हमीर जी निसंतान थे, इनके कोई संतान नहीं थी। तो उस समय कतरियासर के ही रहने वाले थे। तो कतरियासर में गुरु गोरखनाथ के पास गए ये कि साहब मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान दीजिए।
तो गोरखनाथ ने कहा कि आप ऐसे करना, कत्रिया से के पास ये डावला तालाब, डावला तालाब तो वहां जाना और आपको वहां पर पुत्र मिल जाएगा। तो ये गए, कोई भी वहां किसे मिलेगा पुत्र मुझे, गए तो ये चल रहे थे वहां घोड़े पे, तो चलते चलते घोड़ा वहीं रुक गया और सामने उधर देखा तो भाई घोड़ा क्यों रुका, तो देखा तो सामने एक बालक बैठा हुआ था तालाब की पाल पर, और उसकी सुरक्षा के लिए एक सांप और एक बाघ टाइगर तैनात थे वहां। तो ये उतरे, इन्होंने सोचा कि ये दिखता है जो पुत्र मुझे मिलना है जिसके लिए गुरु ने कहा था। तो ये गए वहां, और जो ये गए तो उधर सांप और टाइगर वहां से चले गए, उस बालक को ये वहां से उठाकर ले आए। अब क्या लिखा हुआ कि डावला तालाब में तैरते हुए मिले, वैसे ये भी कहते हैं कुछ बुक्स में ही लिखा हुआ है कि तैरते हुए मिले, और कुछ बुक्स में ही लिखा हुआ है कि उसमें पाल पे मिले। ये हालांकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कैसे मिले, किस अवस्था में मिले, आपको इतना याद रखना है कि बस ये इनको इनकी मूल संतान नहीं थी, यानी ये इनके जाइंदा पुत्र नहीं थे, इनकी पत्नी की कोख से इन्होंने जन्म नहीं लिया बालक जसवंत ने, ये इनको मिले थे, यानी आप इसको ये भी एडोप्टेड भी कह सकते हैं गोद आए हुए। तो ये बालक जसवंत इनको मिले इस तालाब पे, फिर ये वहां से लिया एक जसवंत को। तो इस प्रकार इनके जो पिताजी है ना, पिता हमीर, ये ओरिजिनल पिताजी नहीं है, ओरिजिनल पिताजी नहीं, ये रूपांदे इनकी ओरिजिनल माँ है, रूपांदे इनकी पत्नी थी। ये घर ले जाते हैं, रूपांदे को बताते हैं कि देखो बालक मिला मुझे, अपने को मिल गया जो जिसकी अपने को जरूरत थी। तो क्या हुआ कि जसवंत जो थे इनके असली माँ बाप कोई और थे जिसका पता ही नहीं किसी को, समझ गए ना। तो ये हमीर और रूपांदे फिर भी माता पिता का जब की जब बात आती है तो इनका ही नाम आता है कि जसवंत जी के माता और पिताजी ये थे। तो तैरते हुए मिले थे, और तैरते हुए मिले ना। अब इस बालक के बारे में ज्यादा अपने को छूके उतनी बात करेंगे जितने आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अपने को कई संत पढ़ने, कई लोक देवता पढ़ने, अभी अभी तो शुरुआत है। तो अब यहां पे क्या होता है, ये बालक जैसे अभी हमने आपको बताया ना अग्नि नृत्य, तो अग्नि नृत्य की उत्पत्ति इसलिए हुई कि ये जब बालक छोटा था ना जसवंत, तो एक बार बेटे बेटे जैसे उसकी माँ भी आग जला रही थी खाना बनाने के लिए, तो बाई चांस क्या हुआ या एक्सीडेंट से वो क्या हुआ कि उस आग में गिर गया ना, तो गिर गया वो, जैसे माँ किसी कारण से थोड़ी बाहर गई होगी रसोई से और वो बालक उसमें आग में गिर गया तो वापस उठाया बालक को, और क्या हुआ तो बालक के देखा तो बालक के तो कहीं कोई असर नहीं हुआ, मतलब जलते हुए कोयलों का उस बालक के शरीर पर, उसकी त्वचा पर, उसकी बॉडी पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ बॉडी को। तो ये क्या हुआ कि एक इस बालक को तब से चमत्कारी माना जाने लगा, यानी इस बालक को फिर ये गोरखनाथ के पास गए कि साहब ऐसी घटना हुई कल रात कि क्या हुआ, खाना बना रहे थे, ये आदमी गिर गया, मैं तो काफी देर बाहर थी, ये जाने कितनी देर से वहां उस आग में बैठा हुआ था, लेकिन इसकी कोई असर नहीं हुआ। तो गोरखनाथ ने देखा वास्तव में ये लड़का कोई चमत्कारी पुरुष है। तो अब क्या हुआ, गोरखनाथ अब बड़े हो गए ना, तो गोरखनाथ ने इनको चलो कि मैं इनकी शिक्षा दीक्षा का जिम्मा मैं लेता हूं, तो गोरखनाथ के पास रहे, इन्होंने गोरखमालिया, मतलब इनके गुरु जो थे ना, किनके, बालक जसवंत के गुरु कौन थे, गोरखनाथ, यानी संत जसनाथ बन गए। तो जसनाथ ने, मतलब जसवंत को गुरु गोरखनाथ ने संत की दीक्षा दी थी, और तब ये क्या कहलाए, जसनाथ कहलाए। तो गोरखनाथ इनके गुरु थे, और फिर इन्होंने दीक्षा लेने के बाद गोरखमालिया में 12 वर्ष तक तपस्या की। अच्छा एक बात और बता देते हैं, इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही वो ले ली थी दीक्षा, यानी ये बहुत छोटे संत थे, कम उम्र में संत बन गए, बालक जसवंत बहुत कम उम्र में बन गया संत, समझे ना, नाबालिग थे ये, तो
बारह वर्ष की उम्र में एक संत बन गए। 12 साल तक इन्होंने तपस्या की, तपस्या की ना, और फिर इनका देहांत हुआ, निधन 1506 ईस्वी। अब निधन की भी एक कथा की इन्होंने, अच्छा उम्र क्या थी, उम्र 24 साल उस वक्त जब निधन हुआ। और देखो निधन भी एक सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े विचित्र तरीके से, कैसे जीवित समाधि दी इन्होंने, जीवित समाधि। 24 साल का लड़का या 24 साल का युवक जीवित समाधि ले रहा है, बहुत बड़ी बात है ये कि 24 साल का एक लड़का जीवित है, वो समाधि ले रहा है 24 साल की उम्र में। अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, कई सपने जुड़े हुए उसके जीवन, कुछ नहीं देखा अभी उसने जीवन में, अविवाहित था, न तो परिवार देखा, न रिश्तेदार देखे, न इस दुनिया को देखा, इसकी खूबसूरती को देखा। और 24 साल की उम्र में इस बच्चे ने क्या, इस युवक ने क्या डिसीजन लिया कि मुझे बस इस दुनिया में नहीं रहना, इस संसार से मुझे विदा होना है, मुझे मुक्ति चाहिए। तो इन्होंने समाधि ले ली, और समाधि कहाँ ली, वहीं ग्राम कत्रियासर में, कत्रियासर में, ग्राम कत्रियासर में इन्होंने समाधि ले ली, है ना। अब इनके बारे में अपने को ये जानना है कि आम पब्लिक को इनके द्वारा क्या शिक्षा दी गई, क्या उपदेश दिए गए। जो अपने को जितना एग्जाम में पूछा जाता है ना, उतनी बात करेंगे, बहुत ज्यादा बात करने से क्या, करने में तो अपने पास बातें बहुत है, लेकिन आपके इतना हो जाएगा मामला लंबा के जो काम अपना 1000 वीडियो में हो सकता है, उसके लिए 1500 वीडियो जारी करने पड़ेंगे। तो इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप बस इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। जीवित समाधि नीति इन्होंने ग्राम कत्रियासर में, ये याद रखें, बीकानेर जिले में। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या उपदेश दिया, क्या संदेश दिया, क्या शिक्षाएं दी। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जाम्बोजी को, विष्णुई संप्रदाय को 29 नियम दिए थे उन्होंने। यहां पे अनुयायियों को छत्तीस शिक्षाएं दी, शिक्षाएं प्रदान की, या 36 नियम बताए, 36 नियम भी कह सकते हैं, शिक्षाएं भी कह सकते हैं। और ये जो 36 शिक्षाएं थी ना, ये कुल कितने शब्दों में थी, 150 शब्दों में। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में लिखी हुई 36 शिक्षाएं, 36 नियम इन्होंने अपने अनुयायियों को दिए कि आपको अपने जीवन में इन नियमों का पालन करना है। समझे कि जैसे झूठी बोला बोलना, हत्या नहीं करना, ऊंच नीच नहीं रखना, इस तरह के जो 36 बातें हैं नैतिक जीवन जीने की है, गृहस्थी को इन 36 नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने सबको ये नहीं कहा कि भाई सबको संत, भाई संत बन जाओ आप, बिना संत बने भी आप ये शिक्षाएं ग्रहण कर लो और अपने जीवन में, अपने आचरण में अपनाओ, तो आपके जीवन का वैसे उद्धार हो सकता है, आपका जीवन ज्यादा खुशहाल हो सकता है। तो 36 शिक्षाएं प्रदान की, 150 शब्दों में, एकदम याद रखेंगे इसको। और इनके जो अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं, अनुयायी जसनाथी कहलाते हैं, जसनाथी कहलाते हैं। है ना, अनुयायी जसनाथी कहलाते हैं, जसनाथियों का समूह। जसनाथियों का समूह
या जसनाथियों का समुदाय क्या कहलाता है? जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। समझ गए ना? संप्रदाय का मतलब हमने बताया था आपको, एक प्रकार की धार्मिक मान्यता वाले व्यक्ति समूह को संप्रदाय कहते हैं, यानी जिनके धार्मिक विचार, धार्मिक आस्था एक प्रकार की एक समान होती है उसको संप्रदाय कहते हैं। तो ये इनके जो अनुयायी थे वो जसनाती कहलाते हैं, और जसनातियों के पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? उस समुदाय को क्या कहते हैं? लोगों के समूह को क्या कहते हैं? जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। समझ गए? जसनातियों का समूह जसनाती संप्रदाय कहलाता है। अनुयायी का मतलब समझ गए ना? अनुयायी कौन हुए? जिन्होंने अपने जीवन में इन 36 शिक्षाओं को उतारा, अपने आचरण में इन 36 नियमों को मूर्त रूप दिया, वो लोग इनके अनुयायी कहलाए। ऐसे कोई नहीं भाई वो जा रहा जो मेरा अनुयायी, जिन्होंने अपने जीवन में इन नियमों को उतारा वो ही अनुयायी बने, और उनका नाम, उनको नाम क्या दिया गया? जसनाती। और ये जसनाती संप्रदाय कहलाता है। वैसे अपने बीकानेर जोधपुर जो संभाग है राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में, वहां इनकी काफी तादाद है, बाकी और जगह भी है लेकिन कम है, राजस्थान में यहाँ ज्यादा है। तो जसनाती तो अब आपके, आप समझ गए ना कि जसनात संप्रदाय ये इसके, हाँ जसनात संप्रदाय के प्रवर्तक, जसनात संप्रदाय के प्रवर्तक, इसे याद रखना है ना, प्रवर्तक, संत जसनाथ जी। एग्जाम में पूछा जाता है जसनाथ जी, है ना, जसनाथ या जसनाथ, जसनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? संत जसनाथ जी। अब यहां पे ये आता है कि भाई जैसे सिकंदर लोदी उस समय क्या थे? दिल्ली के सम्राट थे। उनके समय भी सिकंदर लोदी थे, जाम्बू जी के समय, इनके समय भी सिकंदर लोदी थे। तो सिकंदर लोदी ने उस वक्त इनको जमीन दी थी यहां बीकानेर के पास, सिकंदर लोदी ने, पत्रियासर में सिकंदर लोदी, दिल्ली सम्राट, दिल्ली सम्राट, लोदी वंश के सिकंदर लोदी थे उस वक्त दिल्ली के सम्राट। तो ये मान लो कि वो भी इनके अनुयायी, मान लो उनके भक्त थे, इनसे प्रभावित थे, तो उन्होंने इनको जमीन डोनेट की थी। तो चलो स्वामी जी आपको आपके आश्रम के लिए हम प्लॉट दे देते हैं, तो काफी जमीन इनको वहां दी गई थी। अब यहां पे एक अपने को ये जानना है कि ये जो जसनाती संप्रदाय है, इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर नीचे लिखते हैं। अब बात करते हैं जसनाती संप्रदाय का पूजा स्थल, या यूं कहें तीर्थ स्थल, कत्रियासन में है जहां पर इन्होंने तीर्थ स्थल या पूजा स्थल कहां है? कत्रियासर, जिला बीकानेर। एग्जाम में पूछा जाता है कि कत्रियासर का संबंध किस संप्रदाय से है, किस धर्म से है, तो याद रखेंगे संत जसनाथ जी से, या जसनाती संप्रदाय का तीर्थ स्थल, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कत्रियासर होना ही है इसको सबसे बड़ा, क्योंकि ये इनका क्या रहा है भाई, जन्म स्थान मानो तो कत्रियासर, और इनका समाधि स्थल या निधन स्थल मानो तो भी कत्रियासर ही है। तो कत्रियासर ही इनकी, इनसे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो कत्रियासर तीर्थ स्थल है। अब यहां इनका मेला वर्तमान है, यहां वर्ष में तीन बार मेला भरता है,
आपसे पूछ ले कि जसनाती संप्रदाय का मेला कहां पड़ता है, तो कत्रियासन में पड़ता है। और वैसे तीन बार तो माघ चैत्र और आपके आश्विन, माघ ऐसे पूछेंगे नहीं आपको, फिर भी लिखा देते हैं माघ चैत्र और आश्विन। इसकी आप चाहे तो शुक्ल सप्तमी जो है इनकी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माघ माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी, चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी, आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी, सप्तमी को इनका मेला भरता है। अब अपने को बस इतना होना चाहिए वैसे कि वे तीन बार मेला भरता है, और ये ज्यादा से ज्यादा आप माँ याद कर लो, तो ये माघ चैत्र आश्विन, समझ गए ना, तो ये तीन बार इनका मेला भरता है और इस जगह भरता है। अब एक यहां ध्यान रखेंगे कि ये जो जसनाती संप्रदाय है, ये कौन सी वस्तु पवित्र वस्तुएं, पवित्र वस्तुएं किसको पवित्र मानते हैं, जाल का वृक्ष, जाल का वृक्ष, जाल एक पेड़ का नाम होता है, बड़ा खूबसूरत पेड़ होता है जाल का, सफेदा टाइप, जाल का वृक्ष बड़ा खूबसूरत होता है। ये क्या है, ये जो हमने बताया ना अभी कि बालक जसवंत मिला था हमीर को, तो जसवंत मिला था ना, तो कहां था जसवंत, एक पेड़ के नीचे था, उस जाल के वृक्ष के नीचे, वो जो पाल है ना उसकी, किसकी, उस तालाब की, डाबला तालाब की, उस डाबला तालाब की पाल पर एक जाल का वृक्ष उगा हुआ था, शीशम की तरह होता है जाल का वृक्ष, बड़ा खूबसूरत होता है, खूब इसके पत्ते होते हैं, तो जाल का वृक्ष के नीचे यानी उस पाल पे जाल का वृक्ष था, वहां ये बालक जसवंत बैठा हुआ था, तो इसलिए जाल के वृक्ष को बड़ा पवित्र मानते हैं। जैसे खिचड़ी का महत्व होता है ना विष्णुई संप्रदाय में, वैसे इनके यहाँ जाल के वृक्ष का महत्व है। पूछा जा सकता है कि जाल के वृक्ष की पूजा कौन करते हैं, उसको पवित्र कौन मानते हैं, तो ये जसनाती लोग मानते हैं। एक ये वैसे मोर पंख और ऊन का धागा इनको ही मानते हैं, ऊन का धागा ये पवित्र वस्तु मानी जाती है, मोर पंख, मोर का बड़ा सम्मान करते हैं ये, मोर पंख भी एक तरह से ये पूजनीय मानते हैं, मतलब समझ गए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इनके बारे में फैक्ट याद रखना आपको कि राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत, ये एक्सक्लूसिव फैक्ट है इनके बारे में, 12 साल की उम्र में बन गए थे ये संत, नाबालिग थे तभी संत बन गए थे, तो राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत जो है वो ये जसनाथ जी थे, और इनको भी जांगल प्रदेश के संत कहा जाता है, जांगल प्रदेश वही बीकानेर और नागौर वाला जो इलाका है, जांगल प्रदेश के संत इनको भी क्या कहा जाता है, जांगल प्रदेश के संत कहा जाता है, जांगल का मतलब समझ गया ना, बीकानेर और नागौर को पुराने समय में क्या कहते थे, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश के संत कहलाते हैं। इनके ग्रंथ सिंगुदड़ा व कोंडा, ये दो ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, सिंगुदड़ा और कोंडा, इन ग्रंथों में इनकी जो ये 36 नियम जो इन्होंने दिए थे, ये शिक्षाएं दी थी, उनका उल्लेख है ना, और इसमें
मिस जाएंगे आप, तो ब्रह्मा की उपासना की थी इन्होंने, इनके उपासक कौन थे, ब्रह्मा की उपासना की थी। अब आपसे ब्रह्मा की उपासना अब आपसे पूछा नहीं जाएगा, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन फैक्ट नहीं इनके बारे में, एक फैक्ट तो वो गया कत्रियासर वाला, एक अपने को एक अति महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य जसनाति संप्रदाय, इसको याद रखेंगे एकदम से। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आरएएस में, मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 50 शब्दों में भी आया हुआ है, 20 शब्दों में भी आया हुआ है। तो जसन अग्नि नृत्य जसनाति संप्रदाय के लोग करते हैं, एक स्पेशल नृत्य है जो ये जसनाति संप्रदाय के लोग करते हैं। अभी आपने हमने शुरुआत में देखा था ना वो डांस वो अग्नि नृत्य कहलाता है, जसनाति संप्रदाय के लोग ही कर सकते हैं उसको, दूसरे की बस की बात नहीं है, ऐसा माना जाता है। भाई उसमें क्या देखा आपने कि कोयले जलते हुए अंगारों के ऊपर, कोयलों के ऊपर, आग के ऊपर वो चल रहे थे डांसर, लेकिन फिर भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बीच में क्या करते हैं कि बीच में आग जला देते हैं, कोयले जला देते हैं और चारों ओर पानी छिड़क देंगे उसके, वो जिस जगह स्थान पर, जिस प्लॉट पर है या जिस जमीन पर है, वो उस आग के जैसे ये कोयले जला दिए और इसके चारों ओर भी पानी छिड़क देते हैं और ये पानी छिड़क के फिर ऐसे डांस किया जाता है ना। ये तो कोयला अंगारों का वो ढेर हो गया, फिर ऐसे इधर से इधर कूदना, इधर से इधर कूदना, आपने देखा था अभी डांस में। तो ये डांस करते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग, दूसरे नहीं कर सकते इसको, ये ऐसा ऐसी मान्यता है इनकी कि साहब ये कोयलों में आग, मतलब कोयलों के ऊपर जलते हुए कोयलों के ऊपर चलना और उस पर डांस करना, नाचना, वो सिर्फ वो जो आशीर्वाद है हमें जसनाथ जी द्वारा मिला हुआ है। दूसरा अगर ऐसा डांस करेगा तो उसका पैर जल जाएगा, और वास्तव में जला हुआ है। दूसरी जाति के लोगों ने, दूसरों ने जैसे ट्राई की कि चलो अपन ही करते हैं, तो वो सक्सेस नहीं हुई, उल्टे उनके पैर और जल गए, समझ गए। लेकिन ये जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं, इनकी बॉडी पे कोई असर नहीं होता इसका, ये मानो आप एक चमत्कार है, ये जसनाथ जी की देव है। तो ये जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, याद रखना। दूसरी बात, पुरुष करते हैं, महिलाओं ने भी कोशिश की थी लेकिन महिलाएं फेल हो गई इसमें, पुरुष करते हैं। क्या महिलाओं ने भी प्रयास किया था कि चलो हम भी करते हैं, लेकिन उनके भी पैर जल गए थे। केवल ये पुरुषों को ही प्राप्त है ये जो सिद्धि है ना, ये जो गोल्ड गिफ्ट मिली हुई है या जसनाथ जी की जो गिफ्ट मिली हुई है, ये गिफ्ट सिर्फ जसनाती संप्रदाय के पुरुषों को मिली हुई है, समझ के। न तो स्त्रियां करती है, ये केवल जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, पुरुष करते हैं, और सिर्फ इसी संप्रदाय के लोग ही करते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, ये याद रखेंगे। इस संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता है, और ये संप्रदाय देश विदेश में, इंडिया में ही नहीं, विदेशों में, विश्व स्तर पर, मतलब अग्नि नृत्य कहीं नहीं किया जाता दुनिया में, इंडिया में किया जाता है, यहाँ राजस्थान में किया जाता है इस संप्रदाय द्वारा। इसलिए इसके जो ये नर्तक है कई बार विदेश में भी जाते हैं, जब भारत की संस्कृति या राजस्थान की संस्कृति का कई उत्सव मनाया जाता है बाहर, विदेशों में प्रदर्शन किया जाता है पर्यटन विभाग द्वारा या भारत के संस्कृति विभाग द्वारा, तो ये जसनाती संप्रदाय के जो डांसर होते हैं, इनमें जो ज्यादा होशियार लोग होते हैं, उनको वहाँ विदेश में लेके जाती है भारत सरकार, वहाँ प्रदर्शन किया जाता है, वहाँ बड़ी इस संप्रदाय, इसको, इस डांस को ख्याति मिली हुई है। तो ये याद रखेंगे, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। जसनाथ जी से संबंधित धार्मिक स्थल को मानचित्र में भी याद रखना है, मानचित्र में पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पे बीकानेर जिले में ये कतरियासर ये याद रखेंगे, ये कतरियासर है बीकानेर जिले में, ये बिल्कुल मानचित्र में याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में।